तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो मेन डिस्कशन करनी है वो करनी है डेटाबेस की लैंग्वेजेस को लेकर, कि डेटाबेस की लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, डेटाबेस की लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब इसमें दो बेसिकली मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं कि जब भी हम डेटाबेस की लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वो दो तरह की होती हैं। नंबर वन डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और नंबर टू होती है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेजेस जो होती हैं इनको हम लोग सब लैंग्वेजेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे होती हैं कि ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। मैं पहले तो ये चीज़ इस्तेमाल बिकॉज लिखा बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूड कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कि मतलब कि इसके अंदर कोई आप डेटाबेस को क्रिएट नहीं करते। इसमें डेटाबेस को क्रिएट ना करने का मतलब ये है कि डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली हम वो क्रिएट नहीं करते। इसके अंदर हम वो चीज़ें देखते हैं या हम लोग वो ये लैंग्वेजेज हैं जो इस्तेमाल होती हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कोई भी डेटाबेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोग SQL कर रहे थे और MS Access कर रहे थे, तो SQL और MS Access को बनाने के लिए जो लैंग्वेजेज होती हैं वो डेटाबेस लैंग्वेजेज नहीं होती। डेटाबेस लैंग्वेजेज का मतलब है कि किन लैंग्वेजेज को यूज़ करके आप डेटाबेस को क्रिएट करते हो, उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करते हो, जिसना अभी आप SQL और MS Access की क्यूरीज पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, डेटाबेस लैंग्वेजेस में अगर हम बात करें तो डेटाबेस की लैंग्वेजेस जो है वो बेशुमार है, यानी सब लैंग्वेजेस हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती हैं, जिसमें हमारे पास कोबल है, फोर्टरन है, पास्कल है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है। ठीक है, इस केस के अंदर हम इन सारों को जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज करते हैं, क्योंकि ये होस्ट लैंग्वेज है, यानी वो बंदा जो डाटाबेस को क्रिएट करके इंसर्ट डिलीट अपडेट की क्यूरी लगाता है, वो इस तरह की जो क्यूरीज होती हैं इनको या इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो, नाम अगर पता है ना तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। डाटा डेफिनेशन, डाटा की डेफिनेशन करना, ठीक है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करती है कि वो डिस्क्राइब कर सके क्या क्या, यानी बता सके कि एंटिटीज क्या क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्या होंगे, इंटेग्रिटी क्या होगी, मतलब तब्दीली अगर हम करेंगे तो वो किस तरह होगी, और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो एक ऐसी एक ऐसी लैंग्वेज जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल करता है, जिससे वो ये बता सकता है कि उसकी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, उसको हम लोग डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जी ये एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप क्या चीज़ होती हैं। तो एंटिटीज बेसिकली अगर मैं आपको कॉलेज के CMS के अंदर बात करूँ, तो एक स्टूडेंट का नाम एक एंटिटी है। तो मिसाल के तौर पर नेम रखने हैं या नहीं रखने हैं वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आएगा। एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जेंडर मेल है या फीमेल है, या आपकी एज जो है वो 1 से लेकर 19 के बीच में है, तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके नाम के साथ अटैच हैं। रिलेशनशिप, वही बात है, पहले सेमेस्टर के रिजल्ट का रिलेशनशिप दूसरे सेमेस्टर के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ। ठीक है, इंटेग्रिटी कि एक सेमेस्टर के अगर सब्जेक्ट में मैं चेंज करूँ तो वो ऑटोमेटिकली CGPA को कैलकुलेट करके बाकी सब सेमेस्टरों के अंदर उसको इम्बेंड कर दे। तो इस तरीके के लिए अगर हमें कुछ करना हो तो उसके लिए हमें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज चाहिए होती है। और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें हम लोग डेटाबेस को सिक्योर बना सकें, जैसे हमारा लॉगिन्स होते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देखो वो डाटा डेफिनेशन थी। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेजेस जिसको यूज करके हम किसी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे किसी इंसर्शन, किसी भी डाटा का इंसर्शन करना, इसी तरह किसी डाटा को चेंज करना, मॉडिफाई करना। किसी डाटा को देखो, हम लोग सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम कस्टमर्स लिखते थे तो क्या करता था, डाटा निकाल के दे देता था, मैं नीचे टेबल पे शो करता था, तो वो रिट्रीवल कहलाता है। वो क्या होता है, रिट्रीवल ऑफ डाटा कंटेन्ड इन अ डेटाबेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी डाटा को डाटाबेस से डिलीट करना। तो हम ये कह सकते हैं डाटा डेफिनेशन बेसिकली डेफिनेशन होती है डेटाबेस की, और डाटा मैनिपुलेशन क्या होती है, लव्स मैनिपुलेशन का मतलब होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिससे के थ्रू हम किसी भी डाटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आगे दो हिस्सों में सब डिवाइड है, नंबर वन प्रोसीजर और नंबर टू है नॉन प्रोसीजर डाटाबेस डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसीजरल क्या होता है। देखा हुआ प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है वो ये शो करती है कि आउटपुट जो होगी स्टेटमेंट, उससे जो है हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को ऑब्टेंड करेंगे।
आप एक लाइन पढ़ते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाई हाउ द आउटपुट ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड, व्हाइल द नॉन प्रोसीजरल डीएमएलएस डिस्क्राइब्स ओनली व्हाट टू बी आउट ऑब्टेन्ड. ठीक है, कि अगर प्रोसीजरल की बात करें तो हम ये बताते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है उसके अंदर, और उसके थ्रू फिर हम उसको आउटपुट निकालेंगे. जबकि जो नॉन प्रोसीजरल होता है, नॉन प्रोसीजरल में सिर्फ हम ये देखते हैं कि आउटपुट किस तरीके से आ रही है. हम ये नहीं देखते कि हमने क्यूरी किस तरह लिखी है, या हमने इनपुट कैसे दिया है, या हम लोगों ने आउटपुट कैसे किया है. तो ये होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज. ठीक है, तो ये आप लोगों ने फिलहाल अभी तक करंटली इतना काम करना है. आप लोगों ने इस चीज़ को प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल को अंडरस्टैंड करना है. प्रोसीजरल में क्या चीज़ होती है कि हम लोग देखते हैं कि किस तरह डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की स्टेटमेंट लगाई, यानी किस तरह क्यूरी लगाई जिसके ऊपर आंसर आया. और नॉन प्रोसीजरल क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल में ये होता है कि हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमने क्यूरी सही लगाई है या नहीं लगाई. ठीक है, ये अगर मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं.